केंद्रीय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री सुरेंद्र तोमर के साथ आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां पर BJP कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं ऊर्जा मंत्री हरचंदपुर थाना क्षेत्र के निवाजगंज गांव में विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर मोदी और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पैतृक गाँव निवाजगंज में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री AK शर्मा ने 132 KV विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास किया। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान BJP के जिला अध्यक्ष व राज्य मंत्री दिनेश सिंह व BJP के नेतागण मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विद्युत व्यवस्था को चौपट करके रख दिया और अब सवाल कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की गढ़ में कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। बताया कि जन्मदिन पे मोदी जी ने उनको अपनी शुभकामनाएं अवश्य दिया था, लेकिन आज का जो एक कार्यक्रम है, मैंने ये बात उनको नहीं बताई थी, आज का कार्यक्रम भी मैंने उनको एक जन्मदिन के तोहफे के रूप में ही रखा है। कल ही मैं रखना चाहता था, लेकिन उनकी भी व्यस्तता थी, हमारी भी थोड़ा व्यस्तता थी, इसलिए आज रखा गया। तो मैं इस कार्यक्रम को उनके नाम पे, उनके जन्मदिन पे उनको अर्पण करता हूँ, उनको समर्पण करता हूँ। आप माननीय दिनेश जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, और आप सबकी जानकारी के लिए मैं जब से यहाँ राजनीति में आया हूँ, हमारे शुरुआती दिनों में जब मुझे राजनीति के रास्ते एकदम नहीं, आज भी नहीं आता है, अभी समय लगेगा सीखने में, उन दिनों में हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाले लोगों में माननीय दिनेश सिंह जी हैं, और उनके लिए, रायबरेली के लिए, उनके मिट्टी के लिए, यहाँ की धरती के लिए आप सबको मैं आश्वासन देता हूँ। रायबरेली जिले के यशस्वी नेता माननीय श्री दिनेश सिंह जी के आमंत्रण और आग्रह पर यहाँ पर एक बड़े विद्युत केंद्र की आवश्यकता देखी गई। उनके आग्रह पे इसको जल्दी से इसकी प्रक्रिया पूरी करके आज 132 KVA का ये जो पावर हाउस बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया। ये पावर हाउस लगभग एक वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा, और उसके चलते यहाँ के हरचंदपुर और आसपास के कई गांवों की विद्युत व्यवस्था, जो पहले थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, अधिभारित हो रही थी, वोल्टेज कम होने की शिकायतें थी, ट्रिपिंग होने की शिकायतें थी, वो दूर हो जाएंगी, और लगभग 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। ये जो विद्युत उपकेंद्र है वो लगभग 40 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाला है, और एक साल के अंदर ये बनकर के तैयार हो जाएगा और जनता को सेवा देने लगेगा। चुनाव के पहले बनकर तैयार हो जाएगा? चुनाव के पहले तो नहीं हो पाएगा, हम लोग चुनाव के दृष्टि से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आधा बन जाएगा, और ये निश्चित है चुनाव जैसे ही पूरा होगा वैसे ही इसका बिल्कुल मिलने लगे। लगातार आप लोगों से लिस्ट मांगते हैं नए पावर प्लांट का, तो आप लोग जारी क्यों नहीं कर देते? अखिलेश जी ने अगर अपने अधिकारियों से वही लिस्ट जब वो मुख्यमंत्री थे तब अगर मांगी होती तो आज हमारे राज्य में बिजली की कमी नहीं होती। जो जिस पार्टी की सरकार 25 साल तक किसी राज्य में शासन करे, जिस परिवार से चार चार मुख्यमंत्री रहे, जो व्यक्ति खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अगर दूसरे को कहता है जिसको अभी मात्र 6 साल हुआ है,
अगर दूसरे को कहता है कि आपने पावर प्लांट नहीं बनवाए तो ये बहुत शर्मजनक बात है। सच बात तो ये है कि उनके समय में समाजवादी पार्टी के शासन में उनके चार चार बार उनकी सरकारों में सही दिशा में काम नहीं हुआ, उसी का परिणाम है कि आज भी उत्तर प्रदेश विद्युत के संकट से उभर नहीं पा रहा है। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब विद्युत के संकट से उत्तर प्रदेश को बहुत जल्दी ही निकालने की पूरी दिशा में हम चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, उत्पादन क्षमता को दोगुनी करने का, हमारी जो ट्रांसमिशन की क्षमता है, पारेषण की क्षमता है, उसको कई गुना बढ़ाने का, उसी बढ़ाने की प्रक्रिया का आज जो सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ उसी प्रक्रिया का अंग है। तो हर तरफ, चाहे बड़ा सब स्टेशन हो, चाहे पारेषण का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, हर तरफ काम हो रहा है। और अखिलेश जी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो काम आप नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके यूपी की जनता को दिखाएगी।